ओम शांति। मुरली का तारीख है 10/11/2019। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज 6/3/85। संगम युग उत्सव का युग है। ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है। आज होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपने होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने आए हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 प्रकार की होली का दिव्य राज सुनाने आए हैं। वैसे संगम युग होली युग है। संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए या ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है। उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसीलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा ही खुशियों में नाचते ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते सुख के गीत गाते दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती अल्पकाल के उत्साह में आती फिर वैसी हो जाती। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। वहाँ सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते बन जाते हो। लोग 3 प्रकार की होली मनाते हैं। एक जलाने की होली, दूसरी रंग लगाने की होली, तीसरी मंगल मिलन मनाने की होली। यहाँ तीनों होली हैं रूहानी रहस्य से, लेकिन वहाँ स्थूल रूप में मनाते रहते हैं। इस संगम युग पर आप महान आत्माएं जब बाप की बनती हो अर्थात होली बनती हो तो पहले क्या करती हो? पहले सब पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि से भस्म करते हो अर्थात जलाते हो। उसके बाद ही याद द्वारा बाप के संग का रंग लगता है। आप भी पहले जलाने वाली होली मनाते हो फिर प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो अर्थात बाप समान बन जाते हो। बाप ज्ञान सागर तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप के गुण वहाँ आपके गुण हो जाते, जो बाप की शक्तियाँ वहाँ आपका खजाना बन जाती, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती, तो संग का रंग ऐसा अविनाशी लग जाता जो जन्म जन्मांतर के लिए या रंग अविनाशी बन जाता है। और जब संग का रंग लग जाता या रूहानी रंग की होली मना लेते तो आत्मा और परमात्मा का बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन का मेला सदा ही होता रहता। अज्ञानी आत्माओं ने आपके इस रूहानी होली को यादगार के रूप में मनाना शुरू किया है। आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते। हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुई उसको याद कर थोड़े समय के लिए वहाँ भी मौज मनाते रहते हैं। या यादगार देख वहाँ सुन हर्षित होते हो ना कि हमारी विशेषताओं का यादगार है।
आपने माया को जलाया और वहाँ होलिका बना के जला देते हैं। इतनी रमणीय कहानियाँ बनाई हैं जो सुनकर आपको हंसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया है। होली का उत्सव आपके भिन्न भिन्न प्राप्ति के याद रूप में मनाते हैं। अभी आप सदा खुश रहते हो, खुशी की प्राप्ति का यादगार बहुत खुश होकर होली मनाते हैं। उस समय सब दुख भूल जाते हैं और आप सदा के लिए दुख भूल गए हो। आपकी खुशी की प्राप्ति का यादगार मनाते हैं। और बात मनाने के समय छोटे बड़े बहुत ही हल्के बन हल्के रूप में मनाते हैं। उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का रहता है, तो यह आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। जब प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो ना, तो इस विशेषता का यादगार है। और बात इस दिन छोटे बड़े किसी भी संबंध वाले समान स्वभाव में रहते हैं, चाहे छोटा सा पोतरा भी हो वहां भी दादा को रंग देगा। सभी संबंध का आयु का बान भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। यहाँ भी आपके विशेष समान भाव अर्थात बाई बाई की स्थिति और कोई भी देह के संबंध की दृष्टि नहीं, यहाँ बाई बाई की समान स्थिति का यादगार है। और बात इस दिन भिन्न भिन्न रंगों से खूब पिचकारियां भर एक दो को रंगते हैं, यहाँ भी इस समय की आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगा रहे हैं। मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ही हर आत्मा यही चाहती कि सदा इन रंगों में रंगी हुई रहूं। तो सभी के पास रूहानी रंगों की, रूहानी दृष्टि की पिचकारी है ना। होली खेलते हो ना, या रूहानी होली आप सबके जीवन का यादगार है। ऐसा बाप दादा से मंगल मिलन मनाया है, बाप दादा से ऐसा मंगल मिलन मनाया है जो मिलन मनाते बाप समान बन गए। ऐसा मंगल मिलन मनाया है जो कंबाइंड बन गए हो, कोई अलग कर नहीं सकता। और बात या दिन सभी बीती हुई बातों को भूलने का दिन है। 63 जन्मों की बीती को बुला देते हो ना, बीती को बिंदी लगा देते हो। इसीलिए होली को बीती सो बीती का अर्थ भी कहते हैं। कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने का दिन माना जाता है। आपने भी आत्मा के दुश्मन असुरी स्वभाव, असुरी संस्कार भूल कर प्रभु मिलन मनाया ना। संस्कार मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में ना आए, या भी आपके इस भूलने की विशेषता का यादगार मना रहे हैं। तो सुना, आपकी विशेषताएं कितनी हैं। आपके हर गुण का, हर विशेषता का, कर्म का अलग अलग यादगार बना दिया है। जिसके हर कर्म का यादगार बन जाए तो याद कर खुशी में आ जाए, वहाँ स्वयं कितने महान हैं समझा। अपने आप को कि आप कौन हो, होली तो हो लेकिन कितने विशेष हो। डबल विदेशी बल या
अपनी श्रेष्ठता का यादगार ना भी जानते हो, लेकिन आपके याद का महत्व दुनिया वाले याद कर यादगार मना रहे हैं। समझा होली क्या होती है? आप सब तो रंग में रंगे हुए हो, ऐसे प्रेम के रंग में रंग गए हो जो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही काते पीते चलते गाते नाचते रहते हो। पक्का रंग लग गया है ना कि कच्चा है? कौन सा रंग लगा है, कच्चा वा पक्का? बीती सो बीती कर ली, गलती से भी पुरानी बात याद ना आवे। कहते हो ना क्या करे आ गई, या गलती से आ जाती है। नया जन, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया, या ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। वहाँ क्या कहते और आप क्या कहते? परमात्मा की प्रति भी नई बातें है, तो भाषा भी नई, रीत रसम भी नई, संबंध संपर्क भी नया, सब नया हो गया। पुराना समाप्त हुआ, नया शुरू हुआ। नए गीत गाते हो, पुराने नहीं, क्या? क्योंकि है पुराने गीत, आह वाह अहो यह है नए गीत। तो कौन से गीत गाते हो? हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना। हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत है, आप नहीं हो। तो अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए। बाप के संग के रंग में रंग गए हो तो होली मना ली ना। सदा बाप और मैं साथ साथ है और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती ऐसे तो नहीं, सब समाप्त हो गए ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता नहीं, ना संबंधी रह जाते, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता, ना कोई प्राप्ति रह जाती, तो बाकी और क्या चाहिए। इसको कहा जाता है होली मनाना। समझा? आप लोग कितना मौज में रहते हो, बेफिकर बादशाह, बिना कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हुआ, दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नवदा भक्त हो, नंबर वन साइंस दाना हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। चिंता नहीं लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसीलिए गीत गाते हो ना मधुबन में, बाबा के संसार में मौजे ही मौजे है। कावो तो भी मौज, सोवो तो भी मौज, गोली लेकर सोने की जरूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी, अकेले सोते हो तो। कहते हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो बस, बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयां नहीं चलती थी, याद है ना? शुरू में कितना समय दवाइयां नहीं थी, हाँ थोड़ा मलाई
माकन कालिया दवाई नहीं खाते थे तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, ते तो पुराने शरीर अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहते हैं, साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए, लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की बट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहां तहां बिखर गए हो, फिर नदियां सब सागर में समा जाएगी, लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाएगी अभी क्या करना है, एक सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वहां भी अगर बटन दबाने में एक सेकंड की देरी की तो क्या रिजल्ट होगी, या भी अगर एक सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वहां लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं, तो यह बुद्धि की टचिंग है। जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ पहुंचो अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े, ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आवो आवो का आह्वान करेंगे, बस आना और साथ जाना। ऐसे सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, और कहां अटेंशन गया तो बाप का आवाज बाप का आह्वान मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। टीचर्स सोच रही है हम तो पहुंच जाएंगे, यहां भी हो सकता है कि आपको वहां ही बाप डायरेक्शन दे, वहां कोई विशेष कार्य हो, वहां कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो, या भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे तो मनमत से नहीं, लगाव से नहीं, हाय मेरा सेंटर या याद ना आए, फलाना जिज्ञासु भी साथ ले जाओ या अनन्य है, मददगार है, ऐसा भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे, ऐसे तैयार होना, इसको कहते हैं यवर रेडी। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, यहां कर लू यहां कर लू। साकार में याद है ना जो सर्विसेबल बच्चे थे, उन्हों की स्थूल बैग बैगेज सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैग बैगेज तैयार रहते थे। एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वहां जा रहे हैं, ऐसे भी अनुभव किया ना, या भी मन की स्थिति में बैग बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं यव्वर रेडी। अच्छा, ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा परमात्मा मिलन मनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रह करने वाले, अर्थात हर कर्म का यादगार बनाने वाले, सदा खुशी में नाचते गाते संगम युग की मौज मनाने वाले, ऐसे बाप समान बाप के हर संकल्प को कैच करने वाले, सदा बुद्धि श्रेष्ठ और स्पष्ट रखने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों के पत्रों का उत्तर देते हुए
होली की मुबारक दी। चारों ओर की देश विदेश के सभी बच्चों की स्नेह भरे उमंग उत्साह भरे और कहां कहां अपने पुरुषार्थ की प्रतिज्ञा भरे सभी के पत्र और संदेश बाप दादा को प्राप्त हुए। बाप दादा सभी होली हंसों को सदा जैसा बाप वैसे मैं या स्मृति का विशेष स्लोगन वरदान के रूप में याद दिला रहे हैं। कोई भी कर्म करते संकल्प करते पहले चेक करो और बाप का संकल्प वा या संकल्प है। जो बाप का कर्म वही मेरा कर्म है। सेकंड में चेक करो और फिर साकार में लाओ तो सदा ही बाप समान शक्तिशाली आत्मा बन सफलता का अनुभव करेंगे। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा सहज प्राप्ति का अनुभव करेंगे। सफलता का सितारा मैं स्वयं हूँ तो सफलता मेरे से अलग हो नहीं सकती। सफलता की माला सदा गले में फिरोई हुई है अर्थात हर कर्म में अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा आज के इस होली के संगठन में आप सभी होली हंसों को सम्मुख देख रहे हैं मना रहे हैं स्नेह से सभी को देख रहे हैं सभी के विशेषता की वैरायटी खुशबू ले रहे हैं। कितनी मीठी खुशबू है हर एक के विशेषता की। बाप हर विशेष आत्मा को विशेषताओं से देखते हुए यही गीत गाते वाह मेरा सहज योगी बच्चा वाह मेरा पदुमा पदम भाग्यशाली बच्चा। तो सभी अपनी अपनी विशेषता और नाम सहित सम्मुख अपने को अनुभव करते हुए याद प्यार स्वीकार करना और सदा बाप की छत्र छाया में रह माया से घबराना नहीं। छोटी बात है बड़ी बात नहीं है। छोटी को बड़ा नहीं करना बड़ी को छोटा करना। ऊंचे रहेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा नीचे रहेंगे तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा का साथ है हाथ है तो घबराओ नहीं खूब उड़ो। उड़ती कला से सेकंड में सबको पार करो। बाप का साथ सदा ही सेफ रखता है और रखेगा। अच्छा सभी को सिकिलदा लाडला कहा बाप दादा होली की मुबारक दे रहे हैं। फिर तो बाप दादा से सभी बच्चों ने होली मनाई तथा पिकनिक की। वरदान ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भवन। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान ऊंची आत्माएं या स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसीलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा ओम शांति।